दोस्तों, आम तो सभी के फेवरेट होते हैं और आम का सीजन चल रहा है, तो आज मैं आप सबके लिए स्पेशल मैंगो बर्फी लेकर आई हूँ जो घर के सामान से बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, अर्चना होम किचन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ये मैंने दो आम ले लिए हैं और इसे छील कर मैंने काट लिया है, और ये मैंने सफ़ेदा आम लिया है। आप कोई से भी आम ले लें, चाहे दशहरी या कोई भी। और एक ये मिक्सी जार ले लिया है मैंने, उसमें यह आम डाल देते हैं और इसकी प्यूरी बना लेते हैं। ये हमारी प्यूरी बन गई है, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी बिल्कुल ठीक बनी है, ना मैंने इसमें एक भी चम्मच दूध डाला है और ना ही एक भी चम्मच पानी डाला है। गैस पर मैंने पैन रख दिया है। अब इस प्यूरी को हम इस पैन में लौट लेते हैं। इसको अब चलाएंगे, इसको हल्की आंच पर हम पकाएंगे। ये प्यूरी हमारी पक गई है, अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, आपका आम कितना खट्टा है या मीठा है। और इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो हमारी प्यूरी लग जाएगी। और इसको साइड से भी हटाते रहें। अब हम एक कटोरी है नारियल का बुरादा डाल रहे हैं, ये बना हुआ बाज़ार में मिल जाता है, और इसको मिला लें। अब ये हमारा मिल गया है। अब इसमें हम आधा कटोरी ये मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो इसकी जगह आप मावा भी डाल सकती हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो, मावा भी नहीं हो, तो ये नारियल के बुरादे से भी बन जाएगी। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर मिल्क पाउडर की कोई गांठ पड़ गई हो तो उसे मिलाते हुए तोड़ लें। इसको लगातार चलाते रहें। ये पेस्ट हमारा गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे, इससे हमारे बर्फी में शाइनिंग आ जाएगी और ये चिपकेगा भी नहीं। और इसे अच्छी तरह से अब मिला लेंगे घी को भी। अब इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इसको भी मिला लेंगे अच्छी तरह। अभी हम इसे इकट्ठा होने तक और पकाएंगे। और लगातार इसी तरह हम चलाते रहेंगे, रोकेंगे नहीं इसे बीच में। ये हमारा इकट्ठा हो गया, पैन ने भी छोड़ दिया है, एक डो के फॉर्म में आ गया है।
अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इसमें लौट देंगे और इसे फैला देंगे। इसको मैंने चौकोर शेप में कर दिया है। अब इसे इसमें हम पिस्ता डाल देंगे गार्निश के लिए। अब मैं बादाम डाल रही हूँ इसमें। आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं जो आपके पास हो। इसको थोड़ा हम दबा देते हैं ताकि ये इससे चिपक जाए। अब हम 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं जमने के लिए। अब ये 2 घंटे हो गए हैं और बर्फ़ी हमारी जम गई है। अब इसे हम काट लेते हैं। इसको किसी भी आकार में काट सकते हैं हम। मैं चौकोर शेप में काट रही हूँ। बहुत सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हुई है। इधर से भी हम काट लेंगे। इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंगो बर्फी बनकर तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। देखा आपने ये बनानी कितनी सरल है। इसे एक बार ज़रूर बनाएं। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।